हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? इट्स मी फाइका हसन एंड फाइका स्टूडियो। वेलकम टू माय चैनल। आई होप मेरी प्रीवियस वीडियोस आपको पसंद आई होंगी। सो मैंने कहा उन वीडियोस से हट के थोड़ा चेंज एक टॉपिक होना चाहिए जिन पे मैं वीडियो बनाऊं। तो मेकअप से रिलेटेड ही वीडियो है लेकिन मेकअप नहीं होगा। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक ज़रूर करें ताकि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो की जो नोटिफिकेशन हैं वो आपको मिलती रहें। सो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरी वीडियो बेसिकली मेकअप के प्रोडक्ट से रिलेटेड है। बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो मेरे पास जमा हो रहे थे और बहुत कॉमन क्वेश्चंस थे जो बहुत जगहों से पूछे जा रहे थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो ही उससे रिलेटेड बना ली जाए जिससे सबको इन्फॉर्मेशन मिल जाए ऑल ओवर। तो सबसे मेन और फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि डेली रूटीन में कौन सी फाउंडेशन यूज़ की जाए, आप कौन सी फाउंडेशन यूज़ करती हैं, ये वो। तो मैंने अपनी जो वीडियो बनाई है एवरीडे मेकअप में, आप उसमें देख सकते हैं कि मैंने उसमें कोई फाउंडेशन यूज़ नहीं किया। मैंने कंसीलर और करेक्टर यूज़ किया क्योंकि फाउंडेशन से ऑब्वियसली स्किन डैमेज हो जाती है, लेकिन अगर आप चाहती हैं कि कंसीलर के बजाय आप फाउंडेशन ही यूज़ करें तो ये मैबलिन का फिट मी फाउंडेशन है, बेस्ट फाउंडेशन है। अगर आप लेना चाहती हैं तो ये लें। इस फाउंडेशन का जो बेस्ट पार्ट है वो ये है कि ये लगा के बिल्कुल नेचुरल सा लुक लगता है, पता नहीं चलता है कि आपने जो है फाउंडेशन लगाया हुआ है फिटमी का, मैबलिन का फिटमी। ये ऑयली और नॉर्मल स्किन के लिए है ये फाउंडेशन। ये मैट फाउंडेशन इसलिए ऑयली और नॉर्मल स्किन के लिए है, मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है, लेकिन मैं फिर भी इसको यूज़ कर लेती हूँ। और इवन जो ड्राई स्किन वाले हैं वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं इसमें मॉइस्चराइज़र या सीरम को ऐड करके। लेकिन ये फिटमी का, मैबलिन का एक और जो है आता है ड्यूई फिटमी फाउंडेशन, वो ड्राई स्किन वालों के लिए होता है। लेकिन अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है, नहीं मिल रहा, तो आप ये वाला भी यूज़ कर सकती हैं इसमें थोड़ा सा सीरम या मॉइस्चराइज़र मिला के। दूसरा और बहुत कॉमन क्वेश्चन कि आप लिपस्टिक का बताएं कि कौन से कपड़ों के साथ कौन से लिपस्टिक लगानी चाहिए। मैं आपको ये बोलूँगी कि आप कोई भी लिपस्टिक अपने कपड़ों के साथ लगा लें जो आपको अच्छी लगे। ये मैंने इसके ऊपर ब्राउन लिपस्टिक लगाई हुई है, ये मेरा ऑरेंज कुर्ता है। मैंने पहले ऑरेंज लिपस्टिक लगाई, मुझे नहीं अच्छी लगी, मैंने इसको ब्राउन लगा ली। आप लगा के देखें कि आपके ऊपर दो तीन लिपस्टिक्स आप अप्लाई करके देखें, देखें कि आपके ऊपर कौन सी लिपस्टिक आपके कपड़ों के साथ सूट कर रही है, आपको खुद ही पता चल जाएगा, वही लिपस्टिक अप्लाई करें। लेकिन आजकल का जो ट्रेंड है वो बेसिकली ये है कि लाइट कलर के साथ डार्क लिपस्टिक चल रही है, डार्क के साथ लाइट। लाइक अगर आपने शॉकिंग पिंक सूट पहना हुआ है तो उसके साथ लाइट पिंक लिपस्टिक चल रही है, लाइट पिंक पहना हुआ है तो उसके साथ शॉकिंग पिंक लिपस्टिक चल रही है। जो अपना जो हमारा पहले ट्रेंड था, इवन अब भी है, जो मैचिंग चलती है लाइक ऑरेंज सूट तो ऑरेंज लिपस्टिक, वो अब थोड़ा कम हो गया है। तो इस तरह से आप कर सकती हैं। लाइक अगर आपका ब्लू सूट है तो उसके साथ लाइट ब्राउन या पीच या पम्पकिन कलर की लिपस्टिक लगा लें, और ऑल टाइम फेवरेट रेड लिपस्टिक। लेकिन रेड लिपस्टिक हम हर जगह कैरी नहीं कर सकते, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अच्छा, रेड लिपस्टिक के बारे में भी क्वेश्चन था कि आप कौन सी यूज़ करती हैं, कोई थोड़ी रिजनेबल प्राइस में बताएं और ये और वो। तो ये मैं जो यूज़ करती हूँ, ये मैं मिलानी है एक तो, और ये दूसरी है निक्स की। दोनों के शेड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूँगी, मुझे इनके शेड नहीं पता है। मिलानी का तो पता ही है, नंबर 14 डेवोशन, इसका शेड इसमें नहीं लिखा हुआ, मैं गूगल से देख के बता दूँगी। तो ये दोनों जो हैं रेड लिपस्टिक बहुत ज़बरदस्त हैं, स्पेशली ये मिलानी। ईद पे मैंने ये वाली लगाई थी और ये तो ब्लड रेड है, बहुत प्यारे दोनों। और उसके बाद एक और क्वेश्चन कि आप ये आईज़ में वाइट पेंसिल क्यों लगाते हैं या न्यूट कलर क्यों लगाते हैं, ये वो। बेसिकली वाइट पेंसिल हम अपनी आईज़ को ब्राइटनिंग दिखाने के लिए लगाते हैं। मेरी आईज़ छोटी है तो मैं ज़्यादातर अपनी आईज़ में वाइट या न्यूट कलर की पेंसिल यूज़ करती हूँ ताकि मेरी आईज़ ब्राइट लगें। जिनकी बड़ी आईज़ हैं वो तो काजल वगैरह कुछ भी लगा लें, उन पर अच्छा लगता है, लेकिन छोटी आईज़ पर भी काजल अच्छा लगता है। अभी भी इवन मैंने लगाया हुआ है, लेकिन वाइट पेंसिल या न्यूट पेंसिल में लगाती हूँ तो उससे मेरी आईज़ थोड़ी ब्राइट लगती हैं। तो इसलिए आईज़ पेंसिल वाइट पेंसिल यूज़ की जाती है वाटर लाइन के अंदर। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी आईज़ के ऊपर डिपेंड है। या अगर आप मेकअप इस तरह का कर रही हैं कि आपका मेकअप से वो आईज़ आपकी थोड़ी दबी दबी लग रही हैं, छोटी लग रही हैं, तो उसमें आप वाइट पेंसिल ऐड कर लें तो आपकी आईज़ थोड़ी ब्राइट लगेंगी। तो इसलिए वाइट पेंसिल या न्यूट कलर, वाइट के अलावा पीच या इस तरह का कलर यूज़ किया जाता है। तो ये आपके ऊपर है, जो आपका दिल करे।
कंसीलर के ऊपर क्वेश्चन कि कंसीलर कैसे लिया जाता है, कैसे खरीदा जाता है, होता क्या है। कंसीलर जो लिया जाता है, बहुत कंफ्यूजन होती है कंसीलर के हवाले से। कंसीलर जो है, आप अपने फाउंडेशन से एक या दो टोन लाइटर लेते हैं, क्योंकि कंसीलर जो हम फाउंडेशन के ऊपर लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, यहाँ 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 यहाँ, अपने एरियाज को ब्राइटनिंग करने के लिए। तो ब्राइटनिंग आप कैसे करोगे, जब आपका जो कंसीलर है वो आपकी फाउंडेशन से एक या दो टोन लाइटर होगा, तक ज़्यादातर सब दो टोन लाइटर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कंसीलर लिया जाता है। और अगर आप कंसीलर को एज अ करेक्टर यूज़ कर रहे हैं, लाइक अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं और आपके पास करेक्टर नहीं है, तो आप कंसीलर ले लें, कोई भी कंसीलर ले लें डार्क कलर का, मतलब अपने जो आपका चेहरे का कॉम्प्लेक्शन है उससे भी डार्क कलर कर लें, और अपने जो है डार्क सर्कल्स हाइड कर लें, फिर अपना फाउंडेशन लगाएं, उसके ऊपर कंसीलर लगाएं अपने एरियाज को ब्राइट करने के लिए। तो कंसीलर जो ऊपर लगाते हैं फाउंडेशन के ब्राइटनिंग के लिए, वो हमेशा फाउंडेशन से एक या दो टोन लाइट लेते हैं, और जो फाउंडेशन एज अ करेक्टर यूज़ करते हैं, जो कंसीलर एज अ करेक्टर यूज़ करते हैं फाउंडेशन के नीचे, वो डार्क लेते हैं, इवन अपनी स्किन से भी डार्क, ताकि आपके जो डार्क सर्कल्स हैं वो हाइड हो जाएं। तो इस तरह से आप अपना कंसीलर बाय करें। उसके ऊपर दूसरा ये क्वेश्चन भी था कि कॉन्टोर के ऊपर, कि कॉन्टोर कौन सी लेनी चाहिए, आपके पास थोड़ी बड़ी पैलेट है, हमें तो यूज़ करने के लिए इतना कॉन्टोर नहीं चाहिए, ये वो। तो कॉन्टोर बेसिकली मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप पाउडर कॉन्टोर ले लें तो वो बेस्ट है, का क्रीम कॉन्टोर को हैंडल करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। क्रीम कॉन्टोर हम तब यूज़ करते हैं जब हम बहुत कोई हैवी लुक कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको कॉन्टोर की ज़रूरत है, आपके फेस को कॉन्टोर की ज़रूरत है, तो आप पाउडर कॉन्टोर ले लें। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो क्रिस्टन जो है, पाकिस्तान का लोकल ब्रांड है, उसका कॉन्टोर बहुत अच्छा है और रीज़नेबल भी है। वेट एंड वाइल्ड पाउडर कॉन्टोर उसका भी बहुत अच्छा है। तो कोई भी कॉन्टोर आप पाउडर कॉन्टोर ले लें, उसको आपको थोड़े हैंडल करने में ईजी हो जाएगा। बाकी क्रीम कॉन्टोर तो बहुत हैं, हर ब्रांड के हैं। तो रीज़नेबल, अगर कॉन्टोर का आपने मुझसे पूछा, तो वो पाकिस्तान में क्रिस्टन का कॉन्टोर रीज़नेबल है, वेट एंड वाइल्ड का भी रीज़नेबल है। उसके अलावा जो है मेबलिन का जो कॉन्टोर है वो भी अच्छा है, पाउडर कॉन्टोर है, रीज़नेबल है। तो आप कोई भी कॉन्टोर ले सकती हैं और कर सकती हैं। एंड द लास्ट और वेरी कॉमन क्वेश्चन, के मेकअप बाय कहाँ से करें, ख़रीदे कहाँ से। तो जो लड़कियाँ पाकिस्तान में हैं और उनको ऑथेंटिक मेकअप कहीं से नहीं मिल पा रहा, या वो ऐसी सिटीज़ में रहती हैं जहाँ पे ऑथेंटिक मेकअप नहीं होता या नहीं मिल पाता, तो उनके लिए मैंने तीन ऐसी लिंक हैं जो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन हैं, आप जाके देखें। वो ऑनलाइन ऑथेंटिक मेकअप सेल करते हैं, आप घर बैठे ऑनलाइन जो है मेकअप मंगा सकती हैं उनसे। तीनों पेज ऑथेंटिक हैं, मैं उनके इंस्टाग्राम के नेम और लिंक भी मेंशन कर दूंगी, तो आप वहाँ से उनसे कांटेक्ट करके मेकअप बाय कर सकती हैं। कुछ मेकअप उनके पास पहले से अवेलेबल होते हैं, कुछ आप उनको ऑर्डर दें तो वो एक दो महीने में आपको मंगा के दे देंगे। तो इस तरह से आप घर बैठे मेकअप बाय कर सकती हैं। ऑल ओवर आप पाकिस्तान में कहीं पर भी हैं, कराची वगैरह किसी भी सिटी में हैं, आप घर बैठे मेकअप बाय कर सकती हैं उन ऑनलाइन पेजेस से। तो मैं उन तीनों की, दोनों की जो भी लिंक्स मुझे मिलेंगी, मैं आपको जो है उनसे जो है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। दो लिंक्स तो मुझे पता ही हैं, जो मैं पाकिस्तान से ऑनलाइन अगर मुझे मंगाना होता है तो मैं उनसे मंगा लेती हूँ, तो वो तो मैं आपको डेफिनेटली करूँगी। लेकिन अगर एक दो और लिंक मुझे पता चलेंगी जो ऑथेंटिक पेज, जो ऑथेंटिक मेकअप सेल करते हैं, उनकी लिंक्स भी मैं आपको बता दूँगी, तो आप जो है उनसे ईजिली मेकअप बाय कर सकती हैं। सो या ये थी मेरी वीडियो अबाउट फ्यू क्वेश्चन जो मुझे कॉमन मिल रहे थे हर जगह से, तो मैंने कहा उसके ऊपर वीडियो बना लूँ ताकि सबके लिए इन्फॉर्मेटिव हो जाए। आई होप आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो किसी से भी रिलेटेड, तो मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ लें या नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लें, आई विल रिप्लाई यू। और उसके अलावा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, मे बी स्किन केयर और एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक अच्छे और नए टॉपिक के साथ। स्टे ट्यून विद मी, टिल देन थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।